हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन तेजी पकड़ चुका है। इस बीच संयुक्त किसान मंच ने बागवानों की समस्याओं का हल न होने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसका आगाज 5 अगस्त को किसान आक्रोश रैली के रूप में सचिवालय घेराव से होगा, जिसमें हजारों किसान बागवान शिमला पहुंचेंगे। अगर सरकार ने 5 अगस्त से पहले बागवानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। प्रतिनिधियों को पूछ के की है, और इसके अलावा जो 15 सूत्रीय बड़ा हमारा मांग पत्र है, यानी हमारा तो 20 सूत्रीय है, 15 जो हमारी मांगे हैं वो तो लंबित है, उस पर तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दे तो वो है जो कश्मीर के तर्ज वाला है, और MIS में जो है 1 रुपया मात्र नहीं बढ़ना। हम मांग रहे थे कि 14 रुपये 50 पैसे के करीब इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 30-37 रुपये के आसपास बनती है हमारे हिसाब से। तो हम तो फिर भी कह रहे हैं कि 14.5 तो दे दीजिए आप MSP में, जो MIS में देते हैं, और बाकी जो कश्मीर के वाली बात है उसको आप केंद्र सरकार से जो है पूरे जोर से उठाए, ताकि हम बागवानों को भी जो है उसमें ये लगे कि हमारे लिए सरकार काम कर रही है। इंपोर्ट ड्यूटी वाली कहीं बात नहीं की, उसमें सरकार बात नहीं करती, जिसका अभी जो है विंटर में जब हम स्टोर करेंगे उसके बाद हमको नुकसान सहना पड़ रहा है। प्रमुख मांगे जो है हमारी की कोई सुनी नहीं गई अभी तक, बात ही नहीं उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, और जो MIS की पेमेंट्स मिलनी है वो अभी तक पेमेंट्स मिली नहीं है। इसलिए हम आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक बार फिर से आग्रह कर रहे हैं, जितने भी बागवानी हमारे संगठन है या हमारे प्रतिनिधि है, चाहे हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि है, किसी भी दल के प्रतिनिधि है, जितने चुने हुए लोग हैं, चाहे चुने हुए विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, या आपके कम्युनिस्ट पार्टी से है, चाहे हमारे प्रतिनिधि जिला परिषद प्रतिनिधि है, BDC मेंबर्स है, प्रधानगण है, जितने भी हमारे सारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनसे भी आग्रह है, और किसान बागवान तो विशेषकर खासकर वो हमारा नींबू वाला, चाहे किन्नू वाला, संतरे वाला, चाहे हमारा अदरक वाला किसान, चाहे हमारा टमाटर वाला किसान है, चाहे हमारा किसी भी फूल वाला किसान है, सबसे विनम्र आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी ताकत को यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने दिखाएं, कि किसान जो है अन्नदाता अपना अपनी ताकत कैसे दिखाता है। हमारे शांतिपूर्वक जो हमारा आंदोलन है, मार्च है, आंदोलन नहीं कहेंगे हम इसे, मार्च है, इसमें भाग ले, ये हमारा आग्रह है कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, हर घर से अगर एक बागवान या किसान यहाँ आ जाए तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, यही हमारा आग्रह है। चलो, वहीं कांग्रेस भी बागवानों के समर्थन में सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि कृषि बागवानी क्षेत्र वर्तमान की डबल इंजन की BJP सरकार के उदासीनता के चलते हाशिए पर है, जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में और यहाँ की आर्थिकी में सेब का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और यही कारण है एक तरह से मैं समझता हूँ 5,000 करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी हमारी सेब की बन चुकी है, और इसमें सक्सेसिव जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर आप वर्तमान सरकार की बात करेंगे, एक तरह से हमारे क्षेत्र को और विशेष रूप से इस उद्योग को वर्तमान सरकार ने लावारिस छोड़ा है। ये तो जो घोषणाएं हो रही है, सबको मालूम है कि 1.5-2 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, आपके सभी बागवान सड़कों पर उतर गए हैं, सरकार की नीतियों को देखते हुए, सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए इनकी, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से इनका जो 5 वर्ष का जो समय अवधि है, अगर आप बागवानी के दृष्टिकोण से करें बात करें तो पूर्ण रूप से निराशाजनक है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इनकी पावर का तो समय के साथ ही लगेगा पता, अभी तो सिर्फ अखबारों में जो बातें आ रही है, मेरे को तो इस पर भी शंका है कि जो ये बातें बोल रही है कल को इम्प्लीमेंट होना हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि फुफून नाशक कीटनाशक की अनुदान की योजना, जो पिछले मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्षों से हम इस बात को कह रहे थे कि इसको रिस्टोर करो, इन्होंने हमारी एक ना सुनी। विधानसभा के अंदर भी बाहर भी बारंबार आपके माध्यम से मुद्दा उठाया गया, मात्र कोई 6-8 करोड़ के आसपास का मैटर था, लेकिन सरकार ने, मैं समझता हूँ, इस तरह से सोच बना दी कि हमने सही राय तो सुननी नहीं। अब जब मात्र मैं समझता हूँ 1-1.5 महीना रह गया चुनाव को, और स्प्रे शेड्यूल भी आपका खत्म हो चुका है, अब ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि कल को इम्प्लीमेंट होगा, इस पर भी मेरे को बहुत बड़ी शंका है।